Hello friends, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से आई एम अ कॉस्मेटिक सर्जन. आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जिसको हम मेलास्मा बोलते हैं, या झाइयाँ पड़ जाना, पिगमेंटेशन फेस पे होना. और बहुत से लोग परेशान हैं, खास करके लेडीज बहुत परेशान रहती हैं, जेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं. क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? सो मेलास्मा जो है, जिसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं ऑफ द फेस, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. हम देखते हैं लेडीज में प्रेगनेंसी के बाद धूप में ज़्यादा जाने से, या एज के साथ बढ़ने के साथ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के साथ ये अक्सर हो जाती है. और इसका ट्रीटमेंट आसान नहीं है. जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ये दोबारा वापस आ सकती है. तो हम जानते हैं आज मेलास्मा आज एक बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है ट्रीट करना. इवन विद ऑल ट्रीटमेंट्स दैट वी हैव इन डर्मेटोलॉजी एंड इन कॉस्मेटिक वर्ल्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट मेलास्मा, टू क्योर मेलास्मा. जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हम कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेलास्मा है और आप चाहते हैं आगे ना बढ़े, तो सन प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है. आपको टाइम टाइम पर रेगुलर, दिन कम से कम दिन में 3 बार एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए. और सनस्क्रीन भी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी दोनों के लिए इफेक्टिव होनी चाहिए. साथ ही में वो वाटर रेजिस्टेंट भी, वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए. इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड ऑल्सो इट शुड बी वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट. ऐसी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें कम से कम दिन में 2 या 3 बार, ताकि मेलास्मा आगे ना बढ़े. क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी के बढ़ने का. दूसरी चीज, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइक पीसीओडी है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको आप ट्रीट करवाएं. क्योंकि ये अब हमें मालूम है कि हार्मोन्स का मेलास्मा के साथ बहुत गहरा रिलेशन है. तो हार्मोनल प्रॉब्लम शुड बी ट्रीटेड. नाउ अगर हम ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट है मेलास्मा के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे जो कॉमनली यूज होते हैं वो टॉपिकल क्रीम्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं. और इसमें 2 दवाइयाँ का बहुत बड़ा रोल है, हाइड्रोक्विनोन एंड दूसरा स्टेरॉइड्स. मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि लंबे समय तक स्टेरॉइड इस्तेमाल करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. हाइड्रोक्विनोन को भी हमको बहुत डेलिब्रेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके भी कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं. ऑन्क्रोनोसिस एक हाइड्रोक्विनोन का एक बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है. अगर ठीक से इसको इस्तेमाल ना किया जाए तो चेहरा हमेशा के लिए बहुत ग्रेइश कलर का पिगमेंटेशन आ सकता है, जिसको ट्रीट करना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो इन दवाइयों को इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत जुडिशियसली, केयरफुली, अंडर द केयर ऑफ अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट और अ कस्ट पर्सन हु इज इनटू कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वही इसको इस्तेमाल करें. बिना पूछे इसका इस्तेमाल ना करें. और केमिस्ट से जाके तो कभी भी ऐसे ट्यूब्स ना लें जो आपका स्किन का गोरा, आपका कलर चेंज करने के दावा करती हूँ या बोलती हूँ कि आपका स्किन का कलर इससे बेटर हो जाएगा, आप गोरे हो जाएंगे. ऐसी क्रीम्स को बहुत केयरफुली चूज़ करें. उसमें स्टेरॉयड नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें. नहीं तो लोगों के चेहरे बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लंबे समय तक स्टेरॉयड इस्तेमाल करने से. ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ. टॉपिकल क्रीम्स अगर आप ले रहे हैं तो अंडर सुपरविजन लें, डॉक्टर से पूछ के लें, इस्तेमाल करें. हम एक कुछ ट्रीटमेंट्स को लेके आने वाले हैं, जैसे नैनो हाइड्रोक्विनोन. हाइड्रोक्विनोन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. तो नैनो फॉर्म के अंदर जिसको हम लेके आ रहे हैं, तो कम डोज में वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है. तो केयरवेल में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं. डॉक्टर एडवर्ड क्रोलिक हैं, उनके द्वारा ये निर्मित प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम अपने क्लिनिक के अंदर लॉन्च कर रहे हैं. और इसके रिजल्ट्स मेलास्मा में बहुत ही इफेक्टिव हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर हैं. तो टॉपिकल क्रीम्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो काफ़ी इफेक्टिव है मेलास्मा को कंट्रोल करने के लिए, वो है रेगुलर समय पे केमिकल पील्स को लेना. केमिकल पील्स यानी ग्लाइकोलिक है, टीसी है, सैलिसिलिक है. इसका एक ही काम है, ये स्किन की ऊपर की लेयर को हटाती है और अंदर से नए पिगमेंट स्किन को ऊपर लेके आती है, ताकि स्किन की क्वालिटी बेटर हो और पिगमेंटेशन कम हो. इसको समय समय पर लेना ज़रूरी है, कम से कम 8 से 10 पील लेना ज़रूरी है रिजल्ट आने के लिए. और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं मेलास्मा में, दिस इज़ व्हाट वी हैव फाउंड.
केमिकल पील इज द सेकेंड ट्रीटमेंट जो मेलास्मा में काफी इफेक्टिव है, जो यूज किया जा सकता है। थर्ड जो हमने काफी अच्छा देखा है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, तो विटामिन सी सीरम्स हैं और भी विटामिन के सीरम्स हैं, उसको टॉपिकल इस्तेमाल करते हैं अगर हम अलॉन्ग विद सनस्क्रीन एंड अदर टॉपिकल्स, तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है मेलास्मा के अंदर। इनको इस्तेमाल करने से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन अनदर कंडीशन थिंग जो काफी अच्छा है वर्क कर सकता है वो ओरल कुछ मेडिसिन जैसे ट्रैनिंग्समिक एसिड है और ओरल सन ब्लॉकिंग क्रीम्स हैं, उसको हम पॉलीपोडियम निकोटोमास करके है, ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर हम ओरली लेते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। कुछ विटामिन हैं जिनका हमने एक अच्छा रोल देखा, अगर हम ओरली उनको लेते हैं तो हमका हमारा एक अच्छा रिजल्ट आता है इन केस ऑफ पिगमेंटेशन। इसी तरह से करक्यूमिन जो कि हल्दी से बनता है, इसका ओरल इस्तेमाल करने से वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स इन केस ऑफ मेलास्मा। ये जो ओरल सप्लीमेंट्स हैं इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, लाइक वी आई कंबाइन ट्रैनिंग्समिक एसिड विद सम ओरल सप्लीमेंट्स लाइक जेंटॉक्स है और करक्यूमिन है, इन सबको कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज़ करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आता है हमारे पास इन केस ऑफ मेलास्मा अलॉन्ग विद द टॉपिकल्स दैट वी आर यूजिंग। एंड अनदर थिंग दैट वी फाइंड, जैसे लेजर्स हम यूज़ करते हैं साथ, जैसे IPL लेज़र है या फिर क्यू स्विच लेज़र है, इसको हम बहुत आखिर में जाके इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये पाया है कि लेज़र्स मेलास्मा में उतने इफेक्टिव नहीं है। अगर लेज़र को इस्तेमाल करना है तो केमिकल पील्स और टॉपिकल ट्रीटमेंट के बाद में इस्तेमाल करें, यूजली इस्तेमाल करें। लेज़र इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करते हैं, कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन केमिकल पील्स और टॉपिकल्स का ज़्यादा अच्छा रोल देखा है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम IPL और QCH को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कार्बन पील बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। दे कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग मेलास्मा। एंड ये सब ट्रीटमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, सन प्रोटेक्शन लेते हैं, आई कैन श्योर कि आपको एक अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेलास्मा एक ऐसी कंडीशन है जो कभी ठीक होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, तो डिसअपॉइंट ना हो, लगातार ट्रीटमेंट लेते रहें ताकि आपका स्किन का जो टेक्सचर है और कलर है वो अच्छा बना रहे। और अगर आप समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो मेलास्मा की जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो बहुत अंदर तक चली जाएगी, जिसको हम डर्मल मेलास्मा बोलते हैं, वो बन जाएगा और फिर उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यू कैन कम टू अस फॉर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स इन मेलास्मा टू केयरवेल मेडिकल सेंटर विद लेजर्स, विद पील्स। आई एम होपिंग टू सी यू। आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।